बट क्या चल रहा है? नथिंग मच, आपके शो पे आने का बड़ा मुझे इंतजार था, फाइनली आपने बुला लिया मुझे। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल। क्या चल रहा है आजकल जिंदगी में? ड्रामास? कौन सा ड्रामा कर रही हैं? मैंने अभी जो रिसेंटली कंप्लीट किया है, इट वाज फॉर एआरवाई, इट्स कॉल्ड बेवफा। मगर आप तो हम टीवी के लिए काम करती हैं। हमेशा नहीं, आई मीन हाँ हमेशा, अब थोड़ा सा मैंने शिफ्ट किया है अपना, स्क्रीन शिफ्ट किया थोड़ी सी। ठीक है, उसमें कौन है आपके साथ? आई हैव उष्णा शाह विद मी एंड अली रहमान। बड़ी फख्र की बात होगी आपके लिए ना। लाहौर कैसे आना हुआ? एक बहुत ही कमाल कंपनी है एपिक के नाम से, तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि जी आप आ जाएं, कुछ होस्टिंग वगैरह का सीन है। तो आपको क्या लग रहा था कि हमने आपको कॉफी या चाय नहीं पूछनी थी, आप अपनी लेकर? मैं आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, तो मैं अपने साथ लेके जाती हूं कॉफी। नहीं, आप ये बताना चाह रही हैं कि मैं ग्लोरी जिम से अपनी कॉफी लेकर आऊंगी, मैं तुम्हारा नमक भी नहीं खाऊंगी? अच्छा चले, नमक नहीं होता वैसे। तो नवीन, ये किसने आपके बाल बनाए इतने जबरदस्त किस्म के? देखिए मैंने खुद बनाए। हाँ, वो लग भी रहा है जी। देखिए भी लग रहा है, क्योंकि मैं ऐसे ही होती हूँ। क्योंकि कल आपके बड़े अच्छे बाल बने थे, वो टोनी ने बनाए थे। टोनी टोनी एंड गाय, डोंट फॉरगेट गाय। आप मेरे शो पे आए और हमने आपको हालांकि नहीं भी बुलाया। हाँ, मैं खुद ही आ गई। तो ये कैसा लग रहा है आपको, ये बेतकल्लुफी आपको क्यों फील हुआ कि मुझे करना चाहिए? क्योंकि कभी कभार देखे ऐसी कुछ गलतियां करनी चाहिए जो भले आप बाद में पछताएं, लेकिन उस वक्त वक्ती तौर पे अच्छा लग रहा होता है। तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ दोस। आप गलती से डीनू की वीडियो की बात कर रही हैं? बहुत सारी गलतियां की मैंने, सो दिस इज वन ऑफ देम। सुनो जरा, आपको तो सुना जरा के बारे में, सिर्फ एक ही बात अच्छी थी ना, वो गाना अच्छा था। वो कंपोजिशन अच्छी थी, उसमें आप ही अच्छी थी। आपकी तारीफ। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू। सो नवीन एक हमारी मुल्क की बहुत बड़ा नाम है, अगर आप इनको सर्च करें, गूगल करें, आपको कुछ भी नहीं आएगा। सारी गलत नाम की स्पेलिंग्स मेरी जो है गूगल ने पकड़ी है। आपकी आप फेसबुक पे हैं? नहीं। तो आपने मुझे फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों भेजी है? मुझे नहीं पता आपको किसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे हूँ। क्योंकि अगर आपको इतना ही था कि मतलब आपने इतनी डेस्परेशन की वहाँ पे भी फ्रेंड रिक्वेस्ट, बस अब क्या करूँ, मैं फैन हूँ आपकी इतनी बड़ी। देखे ना ये पोस्टर, तो बस मैं लेके जा रही हूँ। आपने क्यों लगाया भाई ये अपना खुद का पोस्टर? यू गिव इट मी। आखिरी बुक आपने कौन सी पढ़ी है? आई रेड दिस बुक, the new one by Elif Shafak, Turkish writer hai, unki kitab maine padhi thi, that was very very haunting. Classic books yani ke jo ke log padhte nahi hai, bas sirf discuss karte hain, batate hain ki yaar maine, you know, 40 rules of love, balki ek banda main mila uska to email id bhi hai 40 rules of love. Are you serious? Seriously, to aapka to nahi aisa koi email id? Nahin. Wo looking for love @hotmail.com? nahi. अच्छा, उसके ऊपर होती थी MIRC के ऊपर, क्योंकि जमाने में था वो। मैं मैसेंजर पे होती थी। बबलू के नाम से बैठा होता है एक बंदा। बबलू तो मुझे लग रहा है आपका नाम होता था, है ना? बता दे। नहीं नहीं यार। और काफी वैसे आपका नाम मेरे भाई का आधा नाम है। आप सर फराज हैं, मेरे भाई खाली फराज हैं। उसको जब सर का खिताब मिलेगा वो भी सर फराज है ना। कैसी बात है, जबरदस्त। आप जानती कि सफर, हम सफर के बारे में अगर हम बात करें, एक ड्रामा जो आपने बड़ा मशहूर किया था, इनकी क्लेम ऑफ फेम है कि आपने जो किया है वो फवाद ने भी नहीं किया, मायरा खान ने भी नहीं किया, बल्कि क्यूबी ने भी नहीं किया। ऐसा क्या कर दिया मैंने? आप पूछें क्या किया आपने? क्या किया? तरक्की। ये बताएं, आपने कभी कोई फिल्म क्यों नहीं की? ऑफर नहीं हुई होगी ना? ऑफर्स आती रहती हैं, लेकिन जिस तरह के रोल्स मुझे दिए जाते हैं वो मुझे अच्छे नहीं लगते, इसलिए नहीं करती। तो इस हिसाब से तो आपको हमसफर भी नहीं करना चाहिए था। नहीं, व्हाई नॉट। अच्छा, आई वाज अ बैड गाय, एवरीबॉडी लाइक्स अ गुड विलन। आप पठान हैं? हाफ पठान। सोचती तो होंगी कि अगर मेरा नाम भी खान होता तो मैं मायरा खान होती, है ना? नहीं, जेलसी तो पठान नहीं। आई डोंट फील खान का कोई ऐसा कुछ है, वरना मगर देखें अगर जो खान लोग थे, फवाद खान, मायरा खान, चंगेज खान, नहीं नहीं वो हम सफर में तो नहीं थे ना, तो वो कितने आगे निकल गए माशाल्लाह। बिल्कुल। और जिनके साथ वकार लगा हुआ था, तो वकार जका, वकार यूनुस रिटायर हो गया है। नहीं, वकार यूनुस इज वन ऑफ माय फेवरेट क्रिकेटर्स बाय द वे। अच्छा अच्छा। बट हाँ, नहीं जिद क्यों पकड़ी हुई है? आई एम एंजॉयिंग व्हाट आई डू, और जब लोग बेजार हो जाएंगे तो फिर नहीं करूंगी। कभी लोगों से पूछी तो सही? पूछती हूँ। अच्छा, बड़े ऑनेस्ट लोग हैं आजकल बाय द वे, फॉरन बेस्ती करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। हां, इसलिए थोड़ा थोड़ा पूछती हूँ, कम कम। सोशल मीडिया पे आप काफी एक्टिव है? तो कंपेयर टू अदर पीपल इतना एक्टिव नहीं हूँ, बट आई ट्राई। अच्छा, मतलब अगर मैं आजकल की टर्म्स पूछूं आपसे, तो क्या आप रिलेट करती हैं? जैसे बीटीबी, डू यू नो व्हाट बीटीबी मींस? बेड टाइम ब्राउजिंग। यार, जीरो मार्क्स, फेल कर गई।
Now that you learned that BTB means bedtime browsing, aap bedtime browsing karti hai? Sometimes, yes. Sometimes. Jab sometimes karti hai, to kya dekhti hai? Maira Khan ko stalk karti hai. I watch dog videos. Dog videos? Yes. मुझे funny dog videos बहुत अच्छी लगती हैं. ठीक है जी. जो cute हरकतें करते हैं जानवर and my Instagram is like full of doggies and cats and things. So now that we've talked a lot about Navin क्या करती हैं, we move on to our next segment which is epic rapid fire. आपको बहुत मुबारक हो. तो so हम start करते हैं epic rapid fire और जब भी कोई अच्छा जवाब देंगी तो मैं इनको background music दूंगा और appreciate करूंगा. Epic moment in life. In the recent times when I got my dog. Spit nahi banta tha. Epic celebrity in your opinion? Julia Roberts. Or somebody from Pakistan? Yani ke koi bhi nahi hai. Koi to ek utha do. Aap. Yaar dekha na. Bahut jaa jata. Epic designer. Your favorite designer? I don't have favorite designer. Any one person globally or locally? Warna main nahi bajaunga. Acha wait, give me 2 minutes. Muneeb. Epic place. Ek Pakistan mein aur ek bahar. Karachi. Acha. I love Karachi. Okay. Duniya mein bahar agar epic place kaha jaye to I would love to once again and keep traveling to Turkey. Epic dost. Mere saath bachpan se jo hai Rasti. She is my epic friend. Epic film. Pakistani filmon mein Jawani Phir Nahi Aani, I laughed so much. Mujhe bahut aur ye aap pe suit bhi karti hai na Jawani Phir Nahi Aani. Ha bilkul aap pe bhi karti hai, aapki to khair nikle mein bhi ek aisa ye tha gussa. Mujhe gussa nahi aata. Acha theek hai, ek aapne Jawani Phir Nahi Aani aur internationally Matrix. English film hoti na bade mushkil se samajh aati hai. Acha aapko ya generally baat nahi yaar, Matrix to meri bhi favorite. Matrix is an epic movie. So, I know that you're an RJ and we know that you don't have a good voice, but still, one epic song. And if you can sing few lines. Pick a song and sing with me. Let's sing together. Etbar bhi. Etbar bhi aahi jayega. Suno to sahi. Raasta koi mil hi jayega. शुक्रिया. बड़ी अच्छी आवाज़ है माशाल्लाह आपकी. अब हम एक बात करेंगे सोशल मीडिया, क्योंकि हम उस जमाने के लोग हैं कि यहाँ पे सोशल मीडिया ग्रो कर गया है, लोग बड़े बिगड़ गए हैं. हाउ कैन वी मेक सोशल मीडिया अ बेटर प्लेस टू लिव एंड योर आंसर इन 45 सेकंड्स. ओके स्टार्टिंग नाउ. जस्ट बी टॉलरेंट, यू नो, आप थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल से काम लें. अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही तो आप मत देखें, आप हट जाएं वहाँ से, बजाय इसके कि आप वहाँ बैठ के लोगों पर तनकीद करें, उनको गालियाँ दें, उनको बुरी बुरी बातें कहें. इससे आपको ही गुनाह मिल रहा है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और आप यू आर जस्ट लाइक बाउ 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 बाउ. वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात बोली है. एक मैसेज, एक पब्लिक मैसेज टॉलरेंस और पेशेंस के ऊपर. और बाकी ये हम सब फील करते हैं यार, जरा कुछ सीख लो. अब तो नवीन वकार भी आपको कह रही हैं. नवीन वकार जैसे कम लोग रह गए दुनिया में, ना ही उस जमाने की टीवी रह गए, ना रेडियो रह गए, ना उस किस्म के आर्टिस्ट रह गए. बहुत पुरानी हैं. कुछ सवालात में आपसे, वैसी रैंडम एंड कमेंट सेक्शन है हमारा एक, जो कि हमने वैसी सोचा है. जिंदगी क्या है, जिंदगी की क्या जस्तजू है और जिंदगी का क्या मकसद है? देखिए, जहाँ तक मुझे समझ आई है, जिंदगी थोड़ी सी डिफिकल्ट है और आपको जिंदगी में अपना पर्पस ढूंढना होता है. और जिन लोगों को पर्पस मिल जाता है वो बड़े खुश नसीब होते हैं, जिनको नहीं मिलता वो ढूंढते रहते हैं और जीते रहते हैं. डू व्हाट यू लव, यू नो, दूसरों की मत सुने. आप वो करें जो आपका दिल कहता है. आपकी गट फीलिंग कैन नॉट बी बेटर देन एनीबडी एल्स टेलिंग यू. मगर मैं कुछ लोगों से कहना चाहता हूं, मेरा दिल कुछ बोलता ही नहीं. नहीं है, सबका दिल बोलता है. अच्छा, मैं कुछ लोगों का जहन भी तो बोलता है. हाँ. आपका क्या, दिल या दिमाग? यार डिपेंड्स, कुछ चीज़ें मैं इमोशनली तो यहाँ से फैसले करता हूँ, कुछ लॉजिकली वो मैं यहाँ से करता हूँ. तो अल्लाह ताला ने दिल और दिमाग दोनों दिए हैं इसलिए. मेरे ख्याल से मैंने आपसे ज़्यादा बेहतर जवाब दिया. आपको मेरे लिए अब जाना चाहिए. वेरी नाइस. अच्छा जी, व्हाट अनॉयज यू द मोस्ट एंड हाउ डू यू डील विद इट? हिपोक्रेसी. मुझे डबल स्टैंडर्ड्स नहीं पसंद. क्यों आप लोग बोल रहे थे कि अमेजिंग है, बड़ी अच्छी स्टार है? हाँ जी, बट मुझे डबल स्टैंडर्ड्स बिल्कुल पसंद नहीं है. अच्छा. जैसे अगर मुझे कोई पसंद नहीं करता या किसी को मुझसे मसला है तो मेरे मुंह पे बोल दें. आई विल अप्रिशिएट दैट. मुझे अच्छा लगेगा कि ठीक है, मैं आपको पसंद नहीं हूँ, आई स्टे आउट ऑफ योर वे. बट डोंट बी नाइस टू मी एंड देन बी लाइक. सो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर व्हेन यू आर जस्ट विद योर फ्रेंड्स? लाइक मेरे दोस्त बड़े मजे के हैं और उनके साथ जब मैं होती हूँ तो
meri funny side comes out. Wo aapko kehte honge yaar zindagi mein kuch to aisa karo ki main tumhe grounded rakhun. Na matlab they don't spare me by the way. Acha ha meri koi izzat khas nahi hai, wo bahut bajate hain meri, you know, when I do something stupid. So that's how I know they're good friends. So, who are the celebrities who you follow on the social media and why? Kya dosti ki wajah se, substance ki wajah se, ya phir you're inspired by them or you're a fan? I follow Imad Irfani. I follow. So, iska matlab hai ki dosti ya phir he's also a very fitness freak and we know. You know, Imad is somebody who should have been, aur main inko bol chuki hu ki agar aap actor nahi hote na to aap life coach hote. Because he is very focused and jitna bhi kabhi mujhe hota hai na, if I want to like exercise in a certain way, I actually ask him ki mujhe bataye ye sahi hai nahi. I follow Imad Irfani, Shazia Naz, I follow Ghana Ali, I follow Ali Rahman, I follow. So purely dosti ki wajah se na, substance nahi hai. Nahi, dosti, and of course, you know, there are certain people jinka style aapko pasand aa jata hai.